प्रदेश में 17 सितंबर से आयुष्मान भव योजना की शुरुआत हुई थी। इस आयुष्मान भव अभियान का मकसद सिर्फ आयुष्मान भारत योजना को लोगों तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लोगों को पहुंचाना रहा है। इस कैंपेन के जरिए लोगों तक आयुष्मान कार्ड बनवाने से लेकर उन तक स्वास्थ्य स्कीम का लाभ पहुँचाने की कोशिश की गयी। हेल्थ मेला लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच भी की गयी। मंडी जिला में भी यह कैंपेन जोरों से चल रहा है। 4 लाख लोगों में से अभी तक 2,03,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 31 दिसंबर तक बचे हुए लोगों की भी क्रमबद्ध तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवनेश ने दी। उन्होंने बताया कि 49.9% लोगों को डायबिटीज के लिए, ओरल कैंसर के लिए 49.5%, ब्रेस्ट कैंसर के लिए 49.5%, सर्वाइकल कैंसर के लिए 10.66% लोगों की जांच की गई है। कैंपेन के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य शिविर मेला में चेक किया गया और मेडिकल कॉलेज के सहयोग से कैंप में मरीजों का इलाज भी किया गया। डॉक्टर पवनेश ने कहा कि डायबिटीज व शुगर साइलेंट किलर हैं, इनका कोई लक्षण नजर नहीं आता है लेकिन यह धीरे धीरे हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार इंसान अच्छा खासा स्वस्थ नजर आता है लेकिन जब उसकी जाँच की जाती है तो उनमें शुगर व ब्लड प्रेशर के लक्षण पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक यह कैंपेन चलेगा लेकिन एनसीडी स्क्रीनिंग पूरा साल चलती रहेगी। तो 4 लाख की पॉपुलेशन में से अभी तक 2,03,608 लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है, जो लगभग 50% जो पॉपुलेशन है 30 प्लस उनको स्क्रीन किया जा चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि जो बाकी की पॉपुलेशन है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से 31 दिसंबर तक सबको स्क्रीन किया जा सके। इसके अलावा 49.9% की जो पॉपुलेशन थी उसको स्क्रीन किया गया है डायबिटीज के लिए, और ओरल कैंसर के लिए 49.5%, हमारे पास जो पॉपुलेशन ब्रेस्ट कैंसर के लिए 49.53%, और जो एलिजिबल पॉपुलेशन है सर्वाइकल कैंसर के लिए वो 10.66% है। तो ये सब पॉपुलेशन जो स्क्रीन की जा चुकी है और स्क्रीन किए जाने का जो लक्ष्य, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चेक किया, मेलाज में चेक किया गया, और इसके अलावा बहुत सारों को जो मेडिकल कॉलेज के सहयोग से कैंप किया गया था उसमें उनका इलाज किया गया था। साथ ही डॉक्टर पवनेश ने बताया कि आभा कार्ड बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 5,85,931 आभा कार्ड बन चुके हैं। 84% लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह सेवा आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और प्रयास किया जा रहा है कि आगामी समय में हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हो जाए। अभी तक आशा वर्कर घर घर जाकर आभा कार्ड बना रही हैं लेकिन लोग खुद भी इसे बना सकते हैं और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। डॉक्टर पवनेश ने सभी लोगों से आभा कार्ड बनाने का आग्रह किया है। इसके साथ साथ हमारे आभा कार्ड बनने का प्रोसेस लगातार जारी है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसमें जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आने वाले समय में ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जितनी भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो सारा डिजिटलाइज हो जाए, और ये एक ऐसी सर्विस है जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी सभी के लिए। तो इसके लिए आभा कार्ड बनाए जाना जरूरी है। अभी तक ये आभा कार्ड आशा वर्कर और हमारे जो हेल्थ टीम्स हैं वो घर घर जाके बना रही हैं, लेकिन लिंक प्रोवाइड करके कोई भी व्यक्ति अपना आभा कार्ड स्वयं बना सकता है। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इस सर्विस का फ़ायदा उठाएँ। बता दें कि देश और प्रदेश में इन दिनों आयुष्मान भव योजना के तहत सभी के आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन आभा कार्ड में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा सारा रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।